जय माता दी, जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। यह है हमारा ग्रंथ श्री रामचरित मानस रामायण। हमारा पुण्य ग्रंथ रामचरित मानस में प्रभु श्री हरि की लीलाओं का वर्णन है। हमें अपने ग्रंथ को जरूर पढ़ना और समझना चाहिए। श्री रामायण जी, श्री रामचरित मानस की स्थापना कैसे करनी चाहिए, किन किन विधियों से हम रामायण जी की स्थापना कर सकते हैं और किन सरल विधि और नियम से हम प्रतिदिन रामायण जी पढ़ सकते हैं, वह मैं आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। मैंने बचपन से ही अपने दादा दादी मम्मी पापा को श्री रामचरित मानस का पाठ करते देखा है। मेरे पतिदेव भी प्रतिदिन रामचरित मानस का पाठ करते हैं। जितना मैंने सीखा है वही मैं आज आप सभी को बता रही हूँ। श्री रामचरित मानस रामायण जी, इसमें यह 8 कांड दे रखे हैं, 8 भागों में बटा हुआ है। रामचरित मानस ये देखिए, ये है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरित मानस। रामचरित मानस बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और लवकुश कांड, इस तरीके से 8 भागों में रामचरित मानस बटा हुआ है। यह पूरा ग्रंथ इसमें दे रखा है। अब हमें किन विधियों से हम रामचरित मानस का पाठ कर सकते हैं और कैसे हम स्थापना कर सकते हैं। रामचरित मानस का पाठ करने की सबसे प्रथम विधि होती है अखंड रामायण का पाठ करना, जो कि हम अधिकतर मंदिरों में देखते हैं कि अखंड रामायण का पाठ चातुर्मास में किया जाता है। कभी भी कर सकते हैं लेकिन अधिकतर हम चातुर्मास में जरूर मंदिरों में देखते हैं। अखंड रामायण में 24 घंटे में रामचरित मानस लगातार पढ़ा जाता है और 24 घंटे में पूरा होता है। भक्तजन कीर्तन करते हुए लय ताल के साथ गाते हुए रामचरित मानस का पाठ करते हैं। यह हो गई पहली विधि। दूसरी विधि होती है नवापारायण विधि। इस विधि के अनुसार 9 दिन तक लगातार रामायण जी का पाठ किया जाता है। यहाँ पर दे रखा है प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, किस पेज नंबर पर दे रखा है यह भी इसमें बताया गया है। मतलब कि पहले दिन हमें कितने पेज रामायण जी पढ़नी है, दूसरे दिन कितना पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक, इस तरीके से ये 9 विश्राम दे रखे, जो कि आपको ग्रंथ के अंदर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिल जाएगा। जहाँ पर लिखा होगा प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, इस तरीके से मिल जाता है। इस विधि के अनुसार 9 दिन तक लगातार रामायण जी का पाठ पढ़ा जाता है। ठीक है, यह हो गई 2 विधि। तीसरी विधि होती है मास पारायण विधि। मास पारायण के अनुसार दो नियम होते हैं। या तो 1 महीने में रामायण जी, अगर आप जैसे श्रावण मास में अधिकतर लोग बिठाते हैं, तो यहाँ पर भी विश्राम दे रखें कि पहले दिन कितना पढ़ना है, दूसरे दिन कितना पढ़ना है, इस तरीके से हम 1 माह में भी रामचरित मानस पढ़कर पूरा कर सकते हैं। साथ ही एक होती है चतुर्मास की विधि। चतुर्मास में 4 माह के लिए ग्रंथ की स्थापना की जाती है, श्री रामचरित मानस पढ़ा जाता है। 4 माह में हमें रामचरित मानस पढ़कर पूरा करना होता है। उसमें हम चातुर्मास में श्रावण, भादव, आश्विन और कार्तिक 4 माह आते हैं, जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक किया जाता है। मतलब कि 4 माह के लिए स्थापना करते हैं और पूरा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ये हो गई हमारी अनुशासन और नियम की विधि, जिसमें कि हमें इतना पढ़ना है। चातुर्मास के अंदर कम से कम 20 या 25 दोहे प्रतिदिन पढ़ना अनिवार्य होता है। ये हो गई नियम की विधि। एक विधि कि हमें बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम रामचरित मानस का पाठ करें, लेकिन समय अभाव के कारण इतना समय नहीं दे पाते। नौकरी पेशा होते हैं, काम काज में लगे रहते हैं, तो इतना समय हम देकर नहीं पढ़ सकते। तो क्या हम रामायण का पाठ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल रामायण जी का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जा सकता है। यह तो नियम है कि इस नियम से करे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई बुजुर्ग है जो इतना समय नहीं दे सकते और फिर भी उनको रामायण जी का पाठ करना है, तो क्या करें? सबसे सरल विधि के अनुसार हम कभी भी रामायण जी की स्थापना कर ले और
प्रतिदिन कम से कम दो दोहे चार दोहे हम रोज पढ़ लें, प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम कभी भी हम पाठ कर सकते हैं, और अपनी स्वेच्छा अनुसार जितने भी दोहे हम श्रद्धा से जितना पढ़ सकते हैं इतने पढ़ लें। जब हमारा ग्रंथ पूरा हो जाए तब इसे ससम्मान फिर से रख ले। इस तरीके से भी हम रामायण जी का पाठ बिल्कुल सरल विधि से आसानी से कर सकते हैं। ये हो गई हमारी विधि। अब चारों विधि में से जिसकी जैसी इच्छा होती है वह वैसे रामायण जी का पाठ करता है, श्री रामचरितमानस की स्थापना करता है। अब कैसे हमें स्थापना करनी है, स्थापना मतलब जैसे हम चाहते हैं कि हम रामचरितमानस का पाठ करें तो हमें क्या करना चाहिए। हमें भगवान जी की जो ग्रंथ है उनकी पूजा करनी है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, माता सीता की, और भोलेनाथ जी, पार्वती जी, गणेश जी, हनुमान जी, सभी का आह्वान करते हुए हमें पूजा करनी है। फल जो भी मौसमी फल होते वह अर्पण करने हैं, और घी का दीपक जलाकर हमें भगवान से आह्वान करना है और कहना है कि हम यह ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हे प्रभु निर्विघ्न हम यह ससम्मान ग्रंथ पढ़े और पूरा करें। इस तरीके से हमें रामचरितमानस की स्थापना करनी है। अब यह हमें शुरू दिन करना है, बाकी हमें नॉर्मल ही पढ़ना है। इस प्रकार हमने भगवान जी का आह्वान किया और सभी भगवान जी की पूजा कर ली। अब हमें ग्रंथ को किस तरीके से ससम्मान रखना चाहिए पढ़ते समय। ग्रंथ को हमेशा ही एक रेशमी कपड़े में लपेट कर रखें। हमारे यहाँ पर इसी तरीके के एक रेशमी कपड़े में लपेट कर ग्रंथ को रखा जाता है। ग्रंथ को कभी भी खुला और ऐसे कोरा नहीं रखा जाता। इस तरीके से ससम्मान हमेशा ही ग्रंथ को लपेट कर रखना चाहिए। ग्रंथ को कभी भी धरती पर रख कर नहीं पढ़ना चाहिए, इससे ग्रंथ का अपमान होता है। ग्रंथ को जिस आसन पर हम बैठते हैं, हम उन्हीं आसन पर बैठे या कुशा के आसन बैठे तो उत्तम होगा। हम आसन पर बैठे हैं तो हमसे ऊंचाई वाले स्थान पर, जैसे हमारे यहाँ भगवान के यहाँ पर ये लकड़ी का पटिया हमेशा ही रखा रहता है, उसके ऊपर हमने यह जो बाजोट, लकड़ी का जो बाजोट आता है यह रखा है। इसे स्टैंड भी कहते हैं। ग्रंथ के लिए स्टैंड आसानी से मिल जाता है, ये इस तरीके का होता है। तो हमेशा ग्रंथ को जहां हम बैठे हैं उससे ऊंचे स्थान पर रखकर ही ग्रंथ को ससम्मान हमें पढ़ना चाहिए, और हमेशा रेशमी कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इस तरीके से हम ग्रंथ रखें। अब दूसरी बात, ये जो एक आप आसन देख रहे हैं, मेरी दादी जी ने बताया था कि जब भी भगवान राम जी की कथा होती है, भगवान की कथा को गाया जाएगा, तब हनुमान जी हमेशा ही कथा सुनने के लिए पधारते हैं। देवतागण, भोलेनाथ जी, पार्वती जी, इनका भी इसमें ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भोलेनाथ जी भी कथा सुनने के लिए आते हैं। मतलब जहाँ पर श्री राम जी है वहां पर भोलेनाथ जी जरूर आते हैं। इसी तरीके से एक आसन, रेशमी आसन है ये, भगवान के लिए जो आते कपड़े उसी से बनाया गया है। हमेशा ग्रंथ पढ़ते समय एक आसन भगवान के लिए जरूर बिछाकर रखना चाहिए। यह भी आसन कभी भी जमीन पर सीधे नहीं रखे, इस तरीके के पट्टी पर ही हमने भगवान का आसन रखा है। भगवान का आसन रख दिया, इस तरीके से हमने ग्रंथ रख दिया। हम भगवान का आह्वान करके हम रामायण जी का पाठ शुरू करते हैं। प्रतिदिन भगवान जी का आह्वान करते हुए हमारे यहाँ जो विनती करी जाती है वह है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वीरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। इस तरीके से हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ग्रंथ में सबसे पहले यह सकते हैं, यहाँ पर रामायण जी का महात्म्य दे रखा है, यह भी जरूर पढ़े। और यहाँ से बालकांड शुरू होता है। ये देखिए, श्री गणेशाय नमः, श्री रामचरित मानस, प्रथम सोपान बालकांड यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ श्लोक दे रखे हैं, यहाँ से पढ़े। इस तरीके से हमें प्रतिदिन, जिसे आप शुरू कर रहे हैं तो कम से कम हम ये श्लोक है ये तो कम से कम कंप्लीट कर ले, फिर ये सोरठा और दोहा आता है, ये इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दो दोहे चार दोहे तो प्रतिदिन पढ़ना ही चाहिए। ये मैं आपको दोहा पढ़कर बताती हूँ। जरूरी नहीं है
कि किसी को गायन कथा आती हो तभी करें, हम हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है, हम सरल विधि से भी कर सकते हैं। जैसे यह लिखा है दोहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हिंदी का भी जरूर पढ़े ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि ग्रंथ में क्या क्या दे रखा है और हम पूरी लीला को अच्छे से समझ पाए प्रभु की। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। इस तरीके से हमें एक दोहे से शुरू कर यह जो चौपाइयां दे रखी है यह भी पढ़ना है और साथ ही जैसे यहाँ तक पहुंचे तो ये एक दोहा माना जाता है। यहाँ से शुरू किया और ये पहला दोहा है, फिर जैसे हम दो दोहे पढ़ना है तो यहाँ तक, ये इस तरीके से दो दोहे होते हैं। यहाँ पर हम विश्राम दे सकते हैं तो चार छः आठ जितने भी चाहे इतने दोहे पढ़ सकते हैं। यह दोहा जैसे मैं दो दोहे पर विश्राम आपको देना बताती हूँ, जैसे सिर्फ समय नहीं है और हम दो दोहे ही पढ़ना चाहते तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे पहला दोहा और इसे दूसरा दोहा मानते हैं। का और ध्यान रखें कि यदि संभव हो तो विश्राम देते समय इस सीधे हाथ के पेज पर विश्राम दे ताकि हमें याद रहे कि हमने किस दोहे पर विश्राम दिया था। एक नियम बन जाए कि हाँ हम इसी पेज पर विश्राम देते हैं तो हमें अगले दिन पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हम कथा को विश्राम देते हैं। कथा विसर्जन होत है रामा सुनो वीर हनुमान, जिस आसन से आए हो प्रभु वहां करो विश्राम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस तरीके से हाथ जोड़कर विश्राम दे और सस ग्रंथ को लपेट कर हमें रखना चाहिए। ये इस तरीके से ग्रंथ को फिर से लपेटे और ये हमारे मंदिर के पास ही रखा रहता है और जो हमने आसन भगवान जी के लिए दिया था वह आसन भी लपेट कर हम इसे भी हम ग्रंथ के साथ ही रख देते हैं। ये इस तरीके से नियमित रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और हमेशा अपने ग्रंथ का सम्मान करें और कम से कम जीवन में एक बार रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपके इस विषय से जुड़े कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट में जय माता दी और जय श्री राम जरूर लिखिए। जय माता दी, जय श्री राम।